अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये पुरनूर नज़ारा जो है वो मुझे काफ़ी दिनों पहले नज़र आया था, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी लाजमी इसको शेयर करूं। और जो लोग हज करने गए हैं तो उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा सारी दुआएँ करें, और मैं भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा सारी दुआएँ कर रही हूँ। अरफा का दिन है आज अल्हम्दुलिल्लाह, और बस एक दूसरे के लिए दुआएँ करनी चाहिए, अच्छी नीयत रखनी चाहिए, और अल्लाह ताला हमें भी हज पे जो है हज का फरीज़ा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और बस मैंने सोचा आप लोग के साथ ये छोटी सी क्लिप यहाँ पे शेयर करूँ। अच्छा जी, और यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। जी हाँ, जन्नत का ड्रेस जो है वो मैंने स्टार्ट किया है। तो बेबी फरोशा का ड्रेस मैं लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा जन्नत का ड्रेस भी जो है वो मैंने रेडी किया है, तो उसका जो फाइनल लुक है वो तो आप लोग के साथ ईद वाले दिन ही जो मैं व्लॉग बनाऊंगी उसी में शेयर करूंगी। अच्छा जी, प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से है कि मैं यहाँ पे एप्लीक वर्क जो है वो सीख रही हूँ, ख़ुद से ही कर रही हूँ, किसी से सीख नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा जो है ना आइडिया है कि किस तरह से करना है। तो मैं यहाँ पर फ्रंट पर फ्लावर्स जो है वो चौक की मदद से ड्रॉ कर रही हूँ। एक ऊपर की साइड पर किया है इस तरह से, और एक दामन के बिल्कुल कोने पे किया है ताकि ये अच्छा लगे पहने हुए। चॉक पेपर जो मार्केट में आपको पेस्ट पेपर जिसको कहते हैं वो मिलेगा इजीली, तो उसके ऊपर भी इसी तरह से मैं एक पेटल बनाऊंगी। मैं फ्लावर पूरा जो है वो नहीं बनाऊंगी, एक एक पेटल इस तरह से बनाऊंगी और उसको कैंची से करूँगी कट। एंड वाला इस तरह से कट करके देखिए, जो मैंने यहाँ पर उसका प्रिंट बनाया हुआ है उसी के ऊपर मैं सारे इसी तरह से कट करके एक ही साइज़ के रखती जाऊंगी। और फिर अब मैं क्या करूंगी, जो भी कलर मुझे पसंद है, जो भी एप्लीक या जो भी मैं इसके ऊपर करना चाह रही हूं, वो इन पेस्ट पेपर के ऊपर जो है वो मैं रखूंगी। मैंने ब्लैक कलर चूज़ किया है, तो मैं इन तमाम को जो है ब्लैक कपड़े के ऊपर रखूँगी और इसको करूँगी इस तरह से। फिर एक एक के ऊपर सिलाई करूँगी, और सिलाई करने के बाद इस तरह से मैं लगाऊंगी इसको कपड़े के ऊपर। ये मेरे पास ब्लैक कपड़ा है, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, जिस कलर का भी आप ड्रेस बनाना चाह रहे हैं उसके साथ कोई कंट्रास्ट आप मज़े का चूज़ कर लें, और बस उसको इस तरह से पेस्ट पेपर बना के तो आप लोग इस तरह से पेटल्स बनाएं, जो भी आप ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं, मतलब जिस तरह से अगर बटरफ्लाई बनाना चाहते हैं या कोई और ड्राइंग करना चाहते हैं। मुझे ये था कि थोड़ा सा ये फ्लावर मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा ये कर लेती हूँ। अब ये देखें, इस तरह से सारे मैंने पेटल्स जो है ना वो पेस्ट पेपर के ऊपर लगा के और सारे मैंने ब्लैक कलर में कर लिए हैं, और इनको सिलाई के साथ इस तरह से मैंने फ्लावर के ऊपर रख लिया है। अब आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर रफ़ लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सिलाइयाँ इसके ऊपर नज़र आ रही है। अब मैं इसके ऊपर सीक्वेंस लगाऊंगी और आपको दिखाती हूँ कि सीक्वेंस लगाने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, और दोनों फ्लावर्स जो हैं वो मैंने डिफरेंट सीक्वेंस लगाए हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि ईद के फाइनल डे पे ही आपको इसका फाइनल लुक मिलेगा। अच्छा जी, अब दोनों बहनों का यही था कि मेरा यही इरादा था कि दोनों बहनें जो है ब्लू कलर पहने हैं। मैंने खुद भी ऑरेंज एंड ब्लू ड्रेस स्टिच किया है, और दूसरा जो है वो आप लोग को मैं दिखा चुकी हूँ कौन सा है, वो भी मैं आप लोग के साथ कल वीडियो इंशाल्लाह चारनाट पर डालूंगी, तो ज़रूर आप लोग के साथ वो भी ड्रेस शेयर करूंगी, और टेलर से जब आएगा वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये मैंने फिर बेबी फरोशा का ड्रेस भी यहाँ पे मैंने लगा दिया है मिशन के ऊपर एक, तो बस लक तो मिशन इम्पॉसिबल रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा इस इन चीज़ों के ऊपर मैं काफ़ी दिनों से काम कर रही हूँ, ये एक दो दिन का काम नहीं है। स्टिचिंग जो है उसको आप लोगों ने लाइट बिल्कुल भी नहीं लेना। अच्छा जी, तो सारे ड्रेसेस की फुल वीडियो डालना जो है मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाकी भी मुझे काम और बाकी भी चीज़ें देखनी होती है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इसके साथ ट्राउज़र्स किस तरह के बने हुए हैं, और ये फिर बेबी का जो ड्रेस है वो फुल लुक इसकी किस तरह से आई हुई है, वो भी आप लोग के साथ फिर मैं इंशाल्लाह ईद वाले दिन ही जब ये दोनों बहनें इसको पहनेंगी तो ही मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूँगी। लेकिन थोड़ी थोड़ी सी मैंने यहाँ पर चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करी हैं, अगर आप लोग इसमें से कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी। ये बहुत मज़े का और बहुत प्यारा ड्रेस ये वाला भी बेबी फरोशा वाला भी बना है। ये देखिए कितने मज़े के मैंने जो है ना यहाँ पे आस्तीन और ये सारी चीज़ें इसकी बनाई हैं। तो बस अब आप लोगों से लूँगी मैं इजाज़त, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक आप लोगों ने करना है, और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।